रास्ते सुनसान नजर आया। बस स्टैंड पर न तो कोई बस नजर आई और ना ही कोई यात्री। बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल ने। संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी के आह्वान पर आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी को लेकर आज तमाम जगहों पर जो है भारत बंद का असर देखा जा सकता है। अगर रोहतक और हरियाणा की बात करें तो अलग अलग हाईवे पर तमाम जगहों पर किसान बैठे हैं और जो है रोडों को जाम कर रखा है। अगर बस स्टैंड की बात करें तो इस वक्त हम हैं रोहतक के बस स्टैंड पर। यहाँ का नज़ारा पहली बार ऐसा है कि बिल्कुल सुनसान जो है बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि बस कोई भी नहीं है। लगातार जो है यहाँ की तस्वीरें आप रोहतक की देख सकते हैं। हालांकि 2016 में जाट आंदोलन हुआ था, उस दौरान इस तरह की तस्वीरें जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वो एक अपवाद था। धरने प्रदर्शन की बात करें और रोड जाम की बात करें या चक्का जाम की बात करें तो इस तरह का जो नज़ारा है वो पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने भी चक्का जाम की बात पहले कही थी, लेकिन इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। पहली बार इस तरह की स्थिति हुई है कि यहाँ पर जो है बसें जो हैं बस स्टैंड के ऊपर जो लगती हैं वो नदारद हैं। अगर बात की जाए आंदोलन की तो आंदोलन पूरी तरह से जो है किसान जो हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर के जो हैं रोडों पर बैठे हैं। अगर शहर की अगर बात करें तो शहर में भी कुछ ही देर में तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो कुछ ही देर में शहर के बीच में प्रदर्शन करने वाले हैं और उनका यही कहना है कि हम पूरी तरह से जो है किसानों के साथ हैं और जब तक तीनों कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। रोहतक में चारों तरफ हाईवे पर भी किसानों ने रूट जाम किया। जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल ने। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किसान मोर्चा कमेटी के आह्वान पर आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी के तहत जितने भी हाईवे हैं तमाम हाईवे पर किसान बैठे हैं और तमाम जगहों पर रोड जाम किए हुए हैं। ये पहले से ही अनाउंस कर दिया था किसानों ने कि 27 जो तारीख है उसको पूर्ण रूप से सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहेगा। रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप यहां पर जो है पूर्ण रूप से किसानों ने बंद किया है, रास्ते दोनों तरफ से जो है क्लोज कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो देख रहे हैं किसान खड़े हैं, पीछे लंबी कतारें जो हैं गाड़ियों की खड़ी हैं। सुबह 6 बजे से ही ये गाड़ियाँ जो आनी शुरू हुई थी, यहाँ पर जो है किसानों ने रोक दिया था। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून जो है सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी आह्वान करेगी उसी तरह से हम जो है आगे का कार्य करेंगे। रोहतक झज्जर है, चारों तरफ से किसान जो है रोड पर बैठे हैं और इनकी एक ही मांग है कि तीनों जो कृषि कानून है सरकार रद्द करे, अन्यथा आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। वह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारत बंद को लेकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिखाई दी।